हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जो कि है बीएड के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में से, जो कि है एनडीयू के अंदर, मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये टॉपिक है यूनिट 4 में, और इस टॉपिक का नाम है चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, प्रैक्टिसेस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड, चिल्ड्रन इन क्रेचेस, चिल्ड्रन इन ऑर्फेनेज। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है कि हमें ये बताना है कि जो बच्चे क्रेचेस में जिनकी देखभाल होती है उनमें किस तरह से देखभाल होती है, क्या प्रैक्टिस होती है, और ऑर्फेनेज में क्या क्या प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और दोनों में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस हैं या क्या समानता है, तो उसका ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो हिंदी में आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि माता पिता से अलग हुए बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं, क्रेच में अलग किए गए बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं, अनाथालयों में बच्चों की पालन पोषण की प्रथाएं, ठीक है। तो टॉपिक कितना ही है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं वही है, आपके मन में खुद भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, है ना। आपकी खुद की भी नॉलेज होगी, आप एडल्ट लर्नर हो, आप कॉलेज पढ़ चुके हो, तो आपको खुद भी नॉलेज है कि कहाँ पे कैसी कैसी चीजें होती हैं, ठीक है। किस तरह से रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं क्रेचेस में, क्रेचेस बेसिकली होते हैं डे केयर सेंटर्स और ऑर्फेनेज में। तो अपने आप से भी आप अपने पॉइंट्स लिख देना इस आंसर में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या होता है ना, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हर जगह अलग अलग है ना। डिफरेंट कंट्रीज में, सोसाइटी एंड कल्चर्स में, रीजन्स एंड रिलीजन्स में, फैमिली में, या अलग अलग रेस मतलब एथनिसिटी में, तो आप देखोगे कि हर जगह जो रेयरिंग प्रैक्टिस है वो अलग है। बच्चों को अलग तरीके से पाला पोसा जाता है, ठीक है। उनमें सोशलाइजेशन डिफरेंट होता है, और मतलब हर एक चीज, उनकी फैमिली, उनकी सोसाइटी, हर एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालते हैं, है ना। सोशलाइजेशन जिस तरह से होता है उसके पीछे फैमिली का और सोसाइटी का और पूरी कंट्री का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से बच्चा डेवलप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो बच्चे क्रेचेस में वहाँ पे उनकी देखभाल होती है, और ऑर्फेनेज में कैसे देखभाल होती है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। तो क्रेचेस में क्या होता है, जो डे केयर सेंटर होते हैं, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो कि ए क्रेच इज ए प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन कैन बी लेफ्ट टू बी लुक्ड आफ्टर वाइल देयर पेरेंट्स आर डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। आजकल क्या है, मतलब दोनों पेरेंट्स ही कमाते हैं तो अपने बच्चे को डे केयर सेंटर्स में छोड़ जाते हैं ना, कि 5 बजे जब आएंगे, 5 बजे 6 बजे जब भी आएंगे तो वो अपने बच्चों को वहां से ले लेंगे, और बाकी पूरे दिन वो क्या उनकी देखभाल कौन करता है, डे केयर पे जो भी स्टाफ होता है, एम्प्लॉयज होते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो अब क्रेचेस में क्या होता है, क्रेचेस में होता है एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, है ना। सभी चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं डे केयर सेंटर में, राइट। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक है सारी चीजें, उनको खाना पीना टाइम पे मिलता है, उनका खेलने का टाइम होता है, कब वो नैप लेंगे, कब वो लर्निंग एक्टिविटीज करेंगे, तो सब कुछ बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है और स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल केयर गिवर्स हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, कि बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं या उनकी डिमांड क्या है, कैसे उनके मतलब कैसे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जो भी स्टाफ है प्रोफेशनल है और वेल ट्रेन्ड होता है कई बार, ठीक है, और वो प्रोफेशनल मैनर में ही बच्चों की देखभाल करते हैं, राइट। देन क्या होता है, स्टिमुलेशन एंड लर्निंग। तो क्रेचेस में क्या होता है, एजुकेशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बच्चों की देखभाल तो होती ही होती है, लेकिन वहां पे एलसीडी लगे होते हैं ना, एलईडी लगे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, तो ये मदद करता है बच्चों की प्रॉपर कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए, क्रिएटिविटी को एनहेंस करने के लिए, और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है।
वो अच्छे से खेलते हैं, वहाँ पे रहते हैं, बाकी बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है डे केयर में। कई बार सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है क्योंकि उन्हीं जैसे बच्चे और भी हैं, तो एक सेम एज ग्रुप बन जाता है, या अपने पीयर्स के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे से होती है, तो ये सभी चीज़ें। देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, कई बार डे केयर ये भी चाहता है ना कि मतलब वो माँ बाप से बात करता रहता है कि बच्चा खा नहीं रहा क्या है, उसको कोई दिक्कत है ना, या बच्चे को कोई दिक्कत है तो पहले ही वहाँ पे बता देते हैं कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी क्या किया जाए। तो मतलब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है मैनेजमेंट के साथ, और क्रेचेस में आप कह सकते हो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को टेक केयर किया जाता है, राइट, और इफेक्टिवली किया जाता है, मतलब सब कुछ सिस्टमेटिक बेस पे है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि क्रैचेस में होती हैं, बाकी आपके जो भी पॉइंट है आप भी लिख सकते हो। ऑर्फेनेज में क्या होता है, ऑर्फेनेज में कौन से बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं, है ना, जिनको मतलब कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो बच्चे रहते हैं। तो ऑर्फेनेज में कई बार ऑर्फेनेज बहुत अच्छे होते हैं, कई बार वहां पे उतनी फैसिलिटीज नहीं होती जिससे कि बच्चों को सभी चीजें, मतलब उनको खाना पीना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो वरीड एनवायरनमेंट होता है, कई बार अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, और कई बार हो सकता है ऑर्फेनेज में ओवर क्राउडिंग हो जाए, बच्चे ज्यादा हो, ठीक है। केयर गिवर रोल, कई बार हो सकता है जो वहां का स्टाफ है उतना प्रोफेशनल ना हो जितना क्रेचेस में है या डे केयर सेंटर्स में है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, जब उस पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रोफेशनल सच्चे से नहीं है तो वो उस काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि बच्चों की बेसिक नीड क्या है, या बच्चों को किस तरह से उनको मतलब उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। तो उनको हो सकता है खाना अच्छे से ना मिले, क्लोथिंग ना मिले, मेडिकल केयर ना मिले, तो ये सभी चीजें हो सकती हैं ऑर्फेनेज में। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी क्या हो सकती है, कई बार मिलती है, कई बार ओवर क्राउडिंग के जरिए, फंडिंग की कमी के जरिए हो सकता है उतने अच्छे से ना मिले जितने अच्छे से वो सभी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं इस फील्ड में, है ना, और काफी बार आपने देखा भी होगा ऑर्फनेज से बच्चे काफी अच्छा भी करते हैं, राइट, लेकिन हमेशा ही अच्छा करें ये जरूरी नहीं है, या हमेशा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल वो एजुकेशन तो चाहते हैं कि वो सभी को प्रोवाइड करें, राइट, या एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन या स्किल एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी मतलब अर्निंग कर सके एक पर्टिकुलर एज के बाद। देन क्या है, सोशल स्किल्स एंड डेली डेवलपमेंट। तो आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, ऑर्फनेज में क्या होता है, सोशल स्किल्स उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि फैमिली देखो क्या करती है, फैमिली हमें बहुत अच्छा सपोर्ट देती है, फैमिली हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट, फाइनेंस मतलब सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देती है, और जब आप खुद ही देखो आप अकेले रहते हो तो ये सभी चीजें मिसिंग हो जाती है, और सोशल स्किल्स में डेवलप करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि फैमिली में आप बात करो कि जब बच्चा नहीं बोलता है तो उसके माँ बाप उसे फोर्स करते हैं ना कि आप बात करो, आप दूसरे से कम्युनिकेट करो, या बच्चे के पास उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन ऑर्फेनेज में ये केस नहीं है, वहां पे सभी क्या है अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, है ना, तो जो फैमिली से सपोर्ट मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता है, और हो सकता है बच्चा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करे, ठीक है, लेकिन हर एक केस में ऐसा जरूरी नहीं है। देन एडॉप्शन एंड फोस्टर केयर, तो ऑर्फेनेज ये भी ट्राई करता रहता है कि बच्चों को फोस्टर फैमिलीज मिले, लेकिन रिसर्च में कई बार ये पाया गया है कि एक पर्टिकुलर एज तक अगर फोस्टर फैमिलीज नहीं मिलती है तो बच्चों की सोशल स्किल्स में दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा क्या है, एक बार सोचने समझने लगा, और आजकल वैसे भी बच्चे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना जल्दी डेवलप होने लगी है, एनहेंस होने लगी है, तो एक एज के मतलब एक एज तक अगर उन्हें फोस्टर फैमिली नहीं मिलता है तो उन्हें थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है।
तो ऑर्फिनेज यही ट्राई करता रहता है कि उनको फैमिली मिले ताकि उनका नर्चर अच्छे से हो सके और उनको फैमिली लाइक एनवायरनमेंट मिल सके और वो अच्छे से पढ़ लिख सके, ठीक है, और सोसाइटी में अपना अपना पार्टिसिपेशन कर सके। देन क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऑर्फिनेज कई बार डोनेशंस पे चलते हैं, है ना, और डोनेशन उतना नहीं आता, तो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन कर पाना, चाहे वो खाने की बात है चाहे वो कपड़ों की बात है, तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। देन क्या है, लिमिटेड वन टू वन अटेंशन। तो ऑर्फिनेज में ये भी नहीं हो पाता है कई बार कि सभी बच्चों पे उतना ध्यान दिया जाए या इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दी जाए, ठीक है। तो इससे भी क्या है, बच्चों की इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्पैक्ट होती है। देन मेल न्यूट्रिशन, ऑर्फिनेज में कई बार हो सकता है ओवर क्राउडिंग हो जाए, है ना, या कई बार फंडिंग की कमी हो जाए, तो बच्चों को उतने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और कई बार ऑर्फिनेज में मेल न्यूट्रिशन बहुत कॉमनली देखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे या बेसिक पॉइंट थे ऑर्फिनेज एंड क्रेचेस में, डे केयर में। बाकी आपको भी काफी नॉलेज होगी क्योंकि आप खुद भी कॉलेज कर चुके हो, बीएड कर रहे हो, कई पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी बीएड करते हैं, तो आपके आपके जो भी थॉट्स हो आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो इस आंसर में, राइट। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में ही, क्रेचेस एंड ऑर्फिनेज में, जो क्वालिटी ऑफ केयर है और बच्चों पे जो उसका प्रभाव है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कि किस तरह से रिसोर्स अवेलेबल है, प्रोफेशनल स्टाफ कैसा है, इंस्टीट्यूशनल की खुद की पॉलिसीज कैसी हैं, केयर गिवर टू चिल्ड्रन रेशो कैसा है, मतलब कितने केयर गिवर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों पे कितने केयर गिवर हैं गिवन है, देन कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रेचेस एंड ऑर्फनेज में भी। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर्स में अपने थॉट्स को भी लिखना, अपने नॉलेज को भी उसमें लिखना, या रियल लाइफ से कनेक्ट करके आंसर को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उससे टीचर को पता लगता है कि आपको सोसाइटी की या रियल लाइफ की या उसकी एप्लीकेशन की रियल लाइफ में आपको नॉलेज है, ठीक है, तो टीचर आपको वैसे ही एसेस करता है फिर। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।